हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको MI के मॉडल किस तरह से चेक करने हैं। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्या है कि हम अपने फ़ोन में रॉन्ग फ्लैश फाइल जो है वो फ्लैश कर देते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा फ़ोन जो है वो सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको MI का मॉडल बहुत ही ईजी वे में किस तरह से चेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी अपनी मैं स्क्रीन पर शिफ्ट लैपटॉप पर मूव होता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको बहुत ही इजी तरीके से MI का एकदम करेक्ट मॉडल किस तरह से पता करना है। तो चलिए स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको MI का मॉडल एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट मॉडल किस तरह से चेक करना होता है। सबसे पहले आपको अपना जो डिवाइस है वो फास्ट बूट में कनेक्ट कर देना है। फास्ट बूट में आपको पता ही होगा वॉल्यूम माइनस और पावर की प्रेस करके रखना होता है 10 सेकंड तक। उसके बाद आपका फ़ोन जो है MI का वो फास्ट बूट में चले जाता है। फास्ट बूट में जाने के बाद आपको सिंपली डाटा केबल लगा देनी है। डाटा केबल लगाने के बाद आपके डिवाइस मैनेजर में पोर्ट आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके डिवाइस मैनेजर में पोर्ट नहीं आएगा तब तक आप मॉडल चेक नहीं कर सकते हो। तो या तो पोर्ट आना चाहिए इस यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ पे ये रहा हमारा लिनोवो, कुछ भी आ सकता है, ADB बूट लोडर कुछ भी, ओनली पोर्ट आना चाहिए। जैसे मैं डिसकनेक्ट करूँगा ये पोर्ट गायब हो जाएगा और कनेक्ट करने पर ये पोर्ट वापस से आ जाएगा। इससे मतलब हमें पता चल जाता है हमारा फ़ोन जो है वो फास्ट बूट में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, और हमारे ड्राइवर वगैरह में भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो, करेक्ट मॉडल चेक करने के वैसे तो बहुत ज़्यादा वे हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूँ कि आपको MI का मॉडल किस तरीके से चेक करना है। सो गाइस, वैसे तो बहुत वे हैं MI का मॉडल चेक करने के, लेकिन अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको करेक्ट मॉडल किस तरह से चेक करना है और एकदम परफेक्ट और बहुत ज़्यादा ईजी वे में बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको ये जो फाइल है चेक मॉडल, ये Xiaomi और Vivo दोनों के मॉडल आपको बता देगी और Vivo के 2021 और 2020 के डिवाइसेस के बताएगी। बाकी और डिवाइसेस में ये मॉडल एकदम करेक्ट नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है Vivo का मॉडल चेक कैसे करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सिंपली ये देख सकते हो फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर एक बैच फाइल मिलेगी। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही आपसे बोलेगा कि प्रेस एनी की, एनी की में आपको यहाँ पे कोई भी की प्रेस कर देना है। जैसे आप कोई भी की यहाँ पे प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद ये आपकी कंप्लीट टैब, जो भी आपके फ़ोन की टैब इन्फॉर्मेशन होगी, पार्टीशन टेबल्स होंगे, वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि बूट लोडर प्रोडक्ट में ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा टिसो, ठीक है। ये जो होता है ये आपका फर्मवेयर का नेम होता है और Xiaomi का स्टाइल ये है कि वो जितने भी फर्मवेयर्स होते हैं सब का अलग नेम रखता है, ठीक है। MI सब फर्मवेयर्स का अलग नेम रखता है। मैं आपको नोट करवा देता हूँ, अगर ये पता चल गया तो आपको मॉडल नंबर एकदम करेक्ट पता चल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है, MIFAM.net, ये आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ सर्च में आपको TIOOSOT जो यहाँ पे आपका शो करेगा वो डाल देना है। जैसे आप वो डालोगे अपना फर्मवेयर का वर्जन नेम, उसी जभी के जभी आपको यहाँ पे मॉडल नंबर पता चल जाएगा। तो ये जो डिवाइस है हमारा MIA1 है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि MI के जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, MI के जितने भी फ़ोन हैं, MI वाले MI फ़ोन अपने फर्मवेयर के नेम से सारे डिवाइस के अलग अलग नेम रखता है अपने फर्मवेयर के। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, देखो जैसे कि Redmi Note 10 का है Chopin, ठीक है, Redmi Note 10 5G का है Chameleon और यह है Biloba, ARES, Renior, Catches, इस टाइप से आपको नेम मिलेगा और सबका अलग होगा। आप ये मत समझना कि अगर आपके में इस तरह से बताया है टिसोट तो आपके टिसोट में बहुत सारे मॉडल्स भी तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओनली आपको एक ही मॉडल मिलेगा और एकदम करेक्ट मॉडल मिलेगा। जो भी आपका प्रोडक्ट पे, जो भी आपका यहाँ पे नेम शो करेगा वही आपके फ़ोन का वर्जन है, वही आपके फ़ोन का मॉडल है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली, अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डालूंगा टिसोट और लास्ट में लिख दूंगा फर्मवेयर, देखो TISOT, इसने हमको ये दिया है और मैं टिसोट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्मवेयर, तो आप ये देखो MIA1, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन का जो मॉडल है वो MIA1 है। सपोज कि आपके में Chopin बताता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपके में बताता है ये, ठीक है, Chopin। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ये CHOPIN तो आप देखो कोई दूसरा मॉडल तो नहीं आ जाएगा। अगर आपको ये डाउट है तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो Redmi Note 10 Pro 5G, कोई और सा मॉडल आपको आने वाला ही नहीं है, एकदम करेक्ट मॉडल आप इस तरह से पता कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका ये देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये Biloba, ठीक है, BILOBA, ठीक है, ये स्पेलिंग आपको करेक्ट डालनी है, ठीक है, Biloba फर्मवेयर। तो देखो Redmi Note 8, तो इस तरीके से आपको मॉडल नंबर अपने MI डिवाइसेस का पता कर सकते हो। और Vivo में भी आप ये ट्राई कर सकते हो, Vivo में भी आपको प्रोडक्ट नेम के अंदर Vivo का कंप्लीट मॉडल मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी अपने Vivo V20 Pro का चेक कर चुका हूँ और जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं Vivo के उनके अंदर आपको इस बैच फाइल से मॉडल पता लगा पाओगे।
तो गाइज यही थी MI। और गाइज और भी मैं आपको वे बता देता हूँ इस तरह। ये तो बेस्ट वे है कि आपको फास्ट बूट में ले जाके चेक कर लेना है। बाकी जो एक दूसरा तरीका है, अगर आपका फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा, फास्ट बूट में नहीं जा रहा, तो आप अपने फ़ोन को ओपन कर लेना है। सिंपली ओपन करोगे तो यहाँ पे एक मदरबोर्ड पे एक स्टिकर लगा होगा IMEI का, वो 100% होगा ही होगा अगर किसी ने फ़ोन ओपन नहीं करा होगा। तो एक स्टिकर होगा, स्टिकर पे आपको IMEI नंबर होंगे, ठीक है। IMEI नंबर आपको नोट कर लेने हैं। IMEI नंबर नोट करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, IMEI.info, ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो आपके IMEI होंगे वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, और आई एम नॉट अ रोबोट पे मार्क लगा के आपको IMEI टाइप करके चेक पे बटन पे क्लिक कर देना है। एकदम एग्जैक्ट और एकदम करेक्ट मॉडल आपको इस वाली वेबसाइट से भी पता चल जाएगा, या फिर आप IMEI इस वेबसाइट MI5.net पे भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी आपको मॉडल नंबर जो है एकदम करेक्ट पता चल जाएगा। तो ये सारे वे हैं MI के मॉडल नंबर चेक करने के। बाकी तो आप गूगल लेंस का यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन गूगल लेंस जैसे कि मैंने आपको बताया ओनली सेम डिवाइस के मैचिंग वाले मॉडल्स दिखा देगा, तो वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है फास्ट बूट, नहीं तो IMEI। तो गाइज यही थी आज की MI का मॉडल चेक करने के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके जाया करो, ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं और लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो मोबाइल फील्ड में दे सकूं आपको। तो यही थी आज की वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।